हेलो फ्रेंड्स एन सी आर टी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम लोग करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को एम सी क्यू को जो कि जो कि है मेडिसिनल प्लांट से और यह जो है इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक बॉटनी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है यह जो है बी एस सी एम एस सी और नीट के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजी से जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है तो चलिए शुरू करते हैं विच हैज नार्कोटिक प्रॉपर्टी किसमें जो है नार्कोटिक प्रॉपर्टी होती है विच हैज नार्कोटिक प्रॉपर्टी किसमें नार्कोटिक प्रॉपर्टी होती है चरस हो गए भांग गांजा या ऑल द एव या फिर सब में तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल द एवब नार्कोटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो जो है नशीले पदार्थ को कहते हैं तो जो चरस भांग और गाजा है इन सब में नारकोटिक प्रॉपर्टी होती है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू मीथा जहर विच इज यूजफुल इन रूमेटिज्म इज ऑपटेंड फ्रॉम रूमेटिज्म जो हो जाता है लोगों को पैर में दर्द की बीमारी जो गठिया होता है तो उसके लिए उसके लिए जो मीठा जहर करके एक दवा दी जाती है जो कि उस जो कि रोमेटिजम को आ, 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 आराम करती है तो यह किससे प्राप्त होती है एकोनिटम <coughs> नेपेलस या फिर कॉल्जिकम या फिर एक्सोगोनियम या फिर लिकोराइस तो एकोनिकम एकोनिटम नेपेलस जो है इस प्लांट से हमें प्राप्त होती है द एल्कोलाइट कोल्चीसिन इज आप फ्रॉम तो कुल्ची जो है कहाँ से प्राप्त होता है ड्राइड कॉर्म ऑफ कोल्चिकम ड्राइड फ्लावर ऑफ कोल्चिकम ड्राइड सीड ऑफ कोल्चिकम ऑल द एवर तो ड्राइड जो कॉर्म होता है कोल्चिकम का उसी से प्राप्त होता है कोल्चीसिन कुल्चीसिन एक एल्कलाइड होता है जो कि पॉलीपोलाइडी को जो कि पॉलीपोलाइडी को पॉलिपोलाइडी आ, को प्राप्त करने के लिए का कोमाटम नेल से यह प्राप्त होता है कोल्जी इसका यूज किया जाता है यह जो है एक ठीक है उसके बाद हो गया हमारा नेक्स्ट एल्कोलाइड एमेटिन एंड सिफेलिन आर ऑप्टेंड फ्रॉम जो एल्कोलाइड एमेटिन है और सिफेलिन है यह किससे प्राप्त होते हैं तो यह जो है सिफेलिस से या कोल्जिकम से एक्सोगोनियम या नन ऑफ तो सिफेलिस से यह जो है प्राप्त होता है इमेटिन एंड सिफेलिन विच हैज़ गॉट द प्रोगेटिव पर्पज प्रॉपर्टीज किसमें में प्रॉपर्टीज होती है कोल्जिकम एकोनिटम एक्सोगोनियम नन ऑफ द तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर हो जाएगा एक्सोगोनियम में प्रोगेटिव प्रॉपर्टी होती है

इंडिया का है चाइना का है इंडोनेशिया या साउथ अमेरिका तो यह जो है नेटिव है साउथ अमेरिका का सिनकोना। नेक्स्ट है हमारा सेंटेलम एल्बम इज हैविंग सेंटेलम एल्बम में क्या होता है तो इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है प्रॉपर्टी ऑफ सुपर क्वालिटी ऑफ टिम्बर भी होता है कॉस्मोटिफिक का, का कॉस्मोटिक भी प्रॉपर्टी होती है इसलिए यह सेंटेला एल्बम हर चीज़ में यूज होता है इसकी लकड़ियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉस्मेटिक भी बनाए जाते हैं ठीक है और मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी रखता है नेक्स्ट है हमारा एट्रोपिन एट्रोपिन यूज्ड एट द टाइम ऑफ आई टेस्टिंग इज अपटेंड फ्रॉम द लिप्स ऑफ बेलाडोना सिनकोना केलेट्रोपिस नन ऑफ द एव तो एट्रोपिन जो है आई टेस्टिंग के दौरान जो है आँख में एक ड्रॉप के रूप में बूंद बूंद के रूप में डाला जाता है एट द टाइम ऑफ आई टेस्टिंग इज ऑफ टेन कहाँ से प्राप्त होता है बेलाडोना से सिंकोना से कैलेट्रोपिस से तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर हो जाएगा ए बेलाडोना बेलाडोना जो है इसके रूट से प्राप्त होता है हायोसाइमाइन एल्कोलाइड ड्राइव फ्राम हायोसाइमाइन एल्कोलाइड कहाँ से प्राप्त होता है एलोए एड्रोपा एरेथ्रो जेलन नॉन ऑफ दि एट्रोपा से प्राप्त होता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज द लोकल एनेस्थेसिया लोकल एनेस्थेसिया के रूप में किसे यूज करते हैं एलोए सैप कोल कोकेन या कैलेट्रोपिस द एव तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा mm -hmm. कोकेन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल इनियत तो कोकेन को जो है यूज किया जाता है द एल्कोलाइड कोकेन इज ऑफेंट फ्रॉम जो एल्कोलाइड होता है कोकेन वो किससे प्राप्त होता है फ्लावर से सूट से या फिर ये वाला हमने कर लिया था हायोसि साइमिन एल्कोलाइड इज फ्रॉम ठीक है हायोसीमेन एल्कोलाइड जो है हमें एट्रोपा से प्राप्त होता है लोकल एनेस्थेसिया के रूप में कोकिन का यूज किया जाता है द एल्कोलाइड कोकिन जो कोकिन है वो किससे प्राप्त होता है तो यह जो है फ्लावर से सूट से लीफ से तो यह लीफ से प्राप्त होता है कोकिन विच लीफ आर यूज एज मॉस्क्यूटो रिपेलेंट तो मॉस्क्यूटो को रिपेल करने दूर भगाने के लिए यूकेिप्टस डिजिटेलिस कैसिया या फिर स्ट्रोनियम तो यूकेिप्टस का यूज किया जाता है ओपियम इज द प्लांट प्लान्टिलोंग टू फैमिली ओपियम जो है किस फैमिली से बिलोंग करता है ओपियम एपोसाइनसी यू फॉर बी ए सी पेपेबेरे नॉन ऑफ दफ से बिलोंग करता है राउुल्फ सरपेंटाइना विच बिलोंग टू एपोसाइनेसी इल्ड मेडिसिन ऑफ राउल्फे सरपेंटाइना से हमें कौन सी मेडिसिन प्राप्त होती है ब्लड प्रेशर नर्वसनेस इंसोमिया तो राउल्फे सरपेंटाइना से हमें जो मेडिसिन प्राप्त होती है विच बिलोंग टू एपोसाइनेसी जो कि फैमिली एपोसाइनेसी से बिलोंग करती है यह इल्ड मेडिसिन ऑफ यह किसकी मेडिसिन देती है ब्लड प्रेशर इससे कौन कौन सी मेडिसिन प्राप्त होती है ब्लड प्रेशर की नर्वसनेस की इंसोमिया की अल्द एवक सारे के सारी मेडिसिन प्राप्त होती है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इल्ड द मेडिसिन यूज फॉर पीपल डायलेशन कौन सी मेडिसिन जो है यूज होती है पीपल डायलेशन के लिए एलियम सेपा कोल्चिसिन एट्रोपाराफिया तो यह जो है एट्रोपा बेलाडोना से प्राप्त होती है मेडिसिन एट्रोपा जो कि आई टेस्टिंग के समय पीपल डायलेशन के लिए यूज होती है तो एट्रोपा बेलाडोना से एट्रोपा प्राप्त होता है एट्रोपा बेलाडोना के रूट से प्राप्त होता है नेक्स्ट है अश्वगंधा बिलोंग टू जीनस अश्वगंधा जो है किस जीनस से बिलोंग करता है विथेनिया सोलैनम लाइको पर नाना देश तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा विथेनिया अश्वगंधा बिलोंग टू जीनस विथेनिया जो तुलसी होती है होली बेसिल भी इसको कहते हैं इज द मेंबर ऑफ द फैमिली यह किस फैमिली का मेंबर है लेबीएटी एसकल पिडेसी अम्बली फ्रेसी नानदीक तो यह लेवियसी का है मेंबर टाइलोफोरा अस्थमाटिका इज यूज फॉर टाइलोफोरा अस्थमाटिका इज यूज फॉर अस्थमा अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है

तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑल द एव डिजिटेलिस पर प्यूरिया प्रोड्यूस डिजिटेलिस पर प्यूरिया जो है यह क्या प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन डिजिटॉक्सिन बोथ हैं भीतर डिजिटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है कोडिन इज एन एल्कोलाइड ऑप्टेन फ्रॉम कोडिन जो है एक एल्कोलाइड है जो कि प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है

कलचिसन इज यूज एज ड्रग टू क्योर कुलचिसन का यूज किया जाता है किस में ड्रग एक ड्रग की तरह किस चीज़ को क्योर करने के लिए स्टमक पेन टूथ पेन ज्वाइंट पेन नफ द एव तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ज्वाइंट पेन में कोल्ची का यूज किया जाता है ज्वाइंट पेन में रिलीफ के लिए इस यूज टू मेक पेन रिलीफ ड्रग कौन सा पेन रिलीफ ड्रग के लिए यूज किया जाता है कौनकोना या फिर बेलाडोना तो बेलाडोना जो है यूज टू मेक ए पेन रिलीफ ड्रग बेलाडोना एट्रोपा बेलाडोना जो होता है उसे बेलोडोना ड्रग भी प्राप्त किया जाता है ट्रोपा जो है आई टेस्टिंग में और यह जो है पेन रिलीफ के लिए यूज होता है नेक्स्ट है हमारा ब्राह्मी इज एन इम्पॉर्टेंट टॉनिक फॉर ब्राह्मी जो है इम्पोर्टेंट टॉनिक है किसके लिए ब्रेन के लिए बॉडी के लिए जनरल हेल्थ के लिए तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ब्रेन के लिए टॉनिक का कार्य करता है ब्रह्मी इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉनिक फॉर ब्रेन बॉडी जनरल हेल्थ ब्रेन के लिए ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज कॉल्ड नेटल तो इसे स्टिंगिंग नेटल किसे कहते हैं तो रेनास को कहते हैं रेनास को कहते हैं ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जिमनोस्पर्मिक मेडिसिनल प्लांट जिम्नो स्पर्मिक मेडिसिनल प्लांट जो होता है वो है थ्रूजा का पो पो एवग, तो पे हमारा आंसर हो जाएगा थ्रोजा ऑक्सीडेंटेलिस सल्विया ऑफिसनेलिस यूज इन लॉन्ग टी वी बिलोंग टू द फैमिली यह लेबियसी से बिलोंग करता है संदिू, संदिू। विच इज ए मेडिसिनल प्लांट बिलोंग टू जीनस या किस जीनस से बिलोंग करता है डायोनिया ड्रोसेरा डायोटेरिस ड्राइमेस तो यह जो है बिलोंग करता है ड्रोसेरा से एल्कलाइड एक होता है एल्कलाइड बर्बेरिन एल्कोलाइड बर्बेरिन फ्रॉम द रूट ऑफ तो यह रूट से बम्बूसा के बारबेरिस एरिएस्टेटा या ब्रेसिका तो यह जो है किसके रूट से प्राप्त होता है तो यह जो है बारबेरिस एरिएस्टेटा के रूट से प्राप्त होता है मेरेस्टिका फ्रेगनेंस इज यूज एज तो यह जो है किस लिए यूज होता है मेडिसिन में कॉडिमेंट में बोथ दोनों में ही यूज होता है चिल्ड्रंस हो यूरिनेट इन स्लीप आर क्योर्ड बाई लिप्स ऑफ वो बच्चे जो कि सोए में यूरिनेट कर देते हैं उनको किससे ट्रीट किया जाता है एम्बलिका स्माइलेक्स या एस्परागस्त तो स्माइलेक्स जो है यह इससे प्राप्त तो, आ, मतलब इसके लिप्स से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो फ्रेंड्स इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नहीं तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें धन्यवाद